राज्यसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक शिव प्रताप शुक्ल ने गुरुवार को आकाशवाणी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आकाशवाणी के प्रसारण क्षमता में वृद्धि के मद्देनजर 100 या 200 किलोवाट के नए ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। आकाशवाणी के बंद होने संबंधी खबरों का संज्ञान लेते हुए शिव प्रताप शुक्ल ने वहां की वर्तमान स्थिति जानने के लिए गुरुवार को आकाशवाणी केंद्र पहुंचे। वहां सहायक निदेशक कार्यक्रम डॉक्टर निर्जा माधव व अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों से समस्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर अभियांत्रिकी प्रमुख राकेश कुमार शुक्ल, लेखाकार एसए खान, सांसद के पीए सुधीर जायसवाल, सर्वेश दुबे, ब्रजेंद्र नारायण, अष्टभुजा शुक्ल, आदित्य शुक्ल, सतीश त्रिपाठी, मनीष तिवारी, दीपांकर मिश्रा, मनोज कुमार, विनय कुमार, के एम लाल, राजीव शर्मा व अजीत राय आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, तीन ट्रांसमीटर लगे हैं, 160 बिप का है, 200 बिप का है, एक एफएम ट्रांसमीटर है जो यहाँ से लगता है, एक 72 से लगा था, वो 10 साल लाइफ होती है, तो 20 साल चल चुका था। फिर दूसरा ट्रांसमीटर 97 में लगा, 97 वाला 20 में उसकी लाइफ पूरी हो चुकी थी, यदि चलता है 10 साल बाद हम लोग कर देते हैं, तो वो भी ट्रांसमीटर उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, फॉरेन से आते थे स्पेयर पार्ट्स का, तो वो सब चलने में प्रॉब्लम होती थी, उसका स्पेयर नहीं था, रिपेयर हम लोग नहीं कर पाते थे, तो फिर उसके जगह पे 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर हम लोग स्टैंड बाय में लाए थे, दिल्ली ने दिया था कि वो कभी जब मेंटेनेंस करोगे तो उसके लिए फिर 10 किलोवाट का ये ट्रांसमीटर जलाओगे। अब ये ट्रांसमीटर भी सर 10 किलोवाट वाला जल नहीं करता, इसके भी स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। मोबाइल ट्रांसमीटर है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कहीं वो भी है यहाँ से शहर में, तो वो 1 घंटे 2 घंटे चलाने के लिए था, सालय का आदेश था कि उसको बंद कर दिया जाए। 100 किलोवाट को तो उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन 100 किलोवाट कितने दिन से बंद था? ये सर पिछले साल जून से बंद था, क्योंकि हमको समीर ने बताया, एक लेटर बना के आपको दे दीजिएगा तो स्पष्ट हो जाए चित्र कि हाँ हम लोग कहीं से उसमें वो नहीं है। मैडम लिखा हुआ है। कि वास्तव में जब हमें इस बात की जानकारी यहाँ के लोगों ने दिया कि यहाँ का प्रसारण बंद हुआ है, तो मतलब जिसको सोच भी नहीं सकते थे, इस प्रकार का धक्का लगा। फिर मैंने वहाँ पर प्रसार भारती के अधिकारियों से, मिनिस्ट्री के लोगों से और माननीय मंत्री जी से इस पर वार्ता हुई। फिलहाल प्रसारण तो वो किया गया, हमारे जो दूसरे सांसद हैं रवि किशन जी, उन्होंने भी वार्ता किया और उसके आधार पर यहाँ प्रसारण तो शुरू हो गया। लेकिन मुझे आज मैं जब आया तो जानकारी हुई कि अनेक कमियाँ हैं जो अब यहाँ उसकी जानकारी कर करके फिर माननीय मंत्री जी से और विभाग के लोगों से बात कर करके उसको दूर कराऊंगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ी ना आए। कैजुअल कलाकार की जो समस्या है उसके संदर्भ में अगर वो लोग कुछ लिख करके हमको देंगे तो हम उस पर देखेंगे, लेकिन अभी तो कलाकार तो तब जीवित रहेंगे जब ये ठीक रहेगा, तो पहले इसको ठीक करने की आवश्यकता है, ठीक कर ले कलाकारों के लिए भी फिर देखेंगे। और हम लोग तो ऐसे भी, हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं, और समझिए कि पूरी तौर पर कलाकारों को जिस तरह से तवज्जो दे रहे हैं, जिस तरह से मान सम्मान कर रहे हैं, वह अद्भुत है। इस नाते मुझे लगता है कि कलाकारों को भी उनका उचित स्थान निश्चित रूप से मिलेगा। आज जब जानकारी हुई, इसी नाते मैं इस केंद्र पर आया कि पहले यहाँ की जानकारी तो कर लें, एक झटके में वो खुल तो गया, प्रसारण शुरू हो गया, लेकिन और क्या क्या कमियाँ हैं इस बात की जानकारी हो जाए तो पूरे के साथ ये करेंगे, तो यहाँ के कलेवर को निश्चित रूप से और समुन्नत करने का प्रयत्न करेंगे। हम तो पहले यहाँ मुंबई जो है, मुंबई जितना विज्ञापन का पैसा गोरखपुर में आता था, आज वो भी मैंने पूछा है तो पता का लगा कि वो भी घटता चला गया है। तो वो सबको एक साथ ठीक करने का प्रयत्न करेंगे और लोगों से, यहाँ के लोगों से भी जो यहाँ कार्यरत हैं
उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कमी उनको दिखती है तो एक बार हम लोगों के नॉलेज में तो दें, बिना नॉलेज में दिए हमें भी कोई जानकारी नहीं रहती है। अब हुई है तो इन लोगों के साथ मिलकर के ठीक करेंगे।